सवाल होगा, कह कहे लगेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? यार पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी इस वक्त कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है और कोई सिंगर गा रही है, आई डोंट नो कौन है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे नाम पता चल जाए। बहरहाल मैं प्रिंस माजिद पार्क में हूँ इस वक्त और यहाँ पे हो रही है पाकिस्तानी नाइट। कुछ आने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा कॉन्टेंट मिल जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग देख लोगे, मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि सारी चीज़ें दिखाऊँ आपको और Let's enjoy, मेरे साथ साथ। अच्छा जी, मेरे साथ जो है जो पाकिस्तानी नाइट होस्ट कर रहे हैं स्पेशली कमिंग फ्रॉम रियाद, हमारे बड़े हरदिल अजीज उमैर साहब मौजूद हैं। उमैर कुछ कहोगे, पाकिस्तानी नाइट कैसी चल रही है सो फार और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी तो इब्तिदा है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख सिद्दीकी और मैं इस वक्त हूँ फेस्टिवल में, जिद्दा में जो फेस्टिवल हो रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वॉइस ऑफ कटवाई को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आपको अच्छे अच्छे इंटरटेनमेंट के शो भी देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। सर थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। सर कुछ जिद्दा सीज़न के बारे में, स्पेशली पाकिस्तानी नाइट के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें। मैं जद्दा सीज़न के बारे में कहूँगा कि सलाम जद्दा, सलाम सऊदी अरब। आप लोग इस किस्म के इवेंट हमेशा करते रहिए ताकि लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट भरा हुआ है वो निकले और अच्छे वाइब्स निकलें लोगों में से, अच्छी किरणें फूटें और इंटरटेनमेंट इंसान को बहुत रिलैक्स कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हंसना मना है कि टीम में जो जो लोग आए हुए हैं, जो जो सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, मैं शायद आप लोगों को बताऊं कि मैंने अपना बचपन उनकी कॉमेडी देखते हुए गुजारी है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं आज उन लोगों से लाइव मिल रहा हूँ। एक एक करके मैं आपको सबसे मिलाऊँगा। सबसे पहले जो मैं मिला रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मोनोलॉग की बुनियाद जिसने रखी है कॉमेडी में, तो बेजा नहीं होगा, मेरे साथ हैं काशिफ खान साहब, मिलवाता हूँ मैं आपको। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम निकालने के लिए। क्या सबसे पहले तो मैं आपसे दो बातें पूछूंगा कि जद्दा आके आपको स्पेशली कैसा लगा? आपने पहले मेरे शुक्रिया अदा किया तो मैं आपसे शुक्रिया अदा कर देता हूँ। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, चाहतों का, राहतों का, रफाकतों का, रखावतों का, अदावतों का, चाहतों का शुक्रिया, प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, इस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार। मेरा ख्याल है इतनी से शोर पे वो स्टेज पे नहीं आएगा, बहुत अच्छा सिंगर है और वो चाहता है कि उसका इस्तकबाल जोश और खरोश से किया जाए, तो क्या आप लोग तैयार हो? अस्सलाम वालेकुम जद्दा। ये बात, मेरा नाम राणा फारूक है एंड आज हम आपके लिए परफॉर्म करेंगे विद सम वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियंस इन जद्दा। अभी जो है वो मेरे एक दोस्त की परफॉर्मेंस हुई है, उसका नाम फारूक है, उसका बैंड मेरे साथ है, जरा तू बातें कर लेते हैं। हाँ भाई खुश तो बहुत होंगे आज आप, क्राउड उठा दिया आपने माशाल्लाह। गाइस दिस इज द बैंड एक्चुअली, यार अपना इंट्रो तो करा दो तुम लोग कम से कम। ये जो है ये है क्या है, अदनान खान
मेरा हम नाम है यार, स्मार्ट होगा यार, लास्ट किसी बात है नान खान। आपका नाम क्या है जी, बताएं प्लीज आप क्या करते हैं? माय नेम इज रेजिन, आई प्ले ड्रम्स। अरे दिल की बात कर ली आपने, और आप प्लीज ब्राइट करें। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब जिस परफॉर्मेंस के लिए आया था ना, मेरा पैसा वसूल हो गया। थैंक यू सो वेरी मच यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, इन घनी जुल्फों के पीछे क्या राज है ये हम बाद में पूछेंगे। हमारे साथ जो है वो हरदिल अजीज मौजूद है, सलीम भाई। क्या हाल है सलीम, कैसे हो? थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम रियाद। तो कुछ बताओ पाकिस्तानी राइड के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा लोग आए हैं, जनता सीजन के अंडर काम करना और परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो और मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा टीम साहब और जनता सीजन वालों के लिए। मुझे देखिए, उस वक्त तक देखिए जब तक आपको उल्टियाँ ना लग जाएं, बस दफ़ा कीजिए, मुझे ही देखते रहिए फ़ोटो को। तो ये फोटोग्राफरों की अलग टेक्निक होती है, और ये बड़ा तो वो फिल्म मेकर है ना, एक आंख से ये वही कर सकता है जो पहले दूसरों के घरों में झांकता हो। ये बड़ा मुश्किल काम है ना, नहीं आसान है, झांक लेता है। सच्ची बता, लड़की देखी कोई पसंद आई? हाँ आइए, आइए आइए पसंद। अंकल वंस मोर, क्या कह रहे हैं तुम्हें, क्या कह रही है? अंकल मर्द बन, अच्छा बस कर दे बेटा, तेरी बारी में रेवड़ी और मिठाई दोनों बटी थी। का भाई बोल रहे हैं, लड़की का। अच्छा रहा आप सही रहा, अब आराम आया तुझे, है ना? तो नहीं यार, ये लड़का ही है, मैंने उसको नहाते भी देखा। शकील भाई, मेरे एंट्री पे तो ये गाने शुरू हो गए। तो उसको उन्होंने समझ लिया ना, कोठे से भागा हुआ बंदा है। वैगन का शीशा लगवाया, उसको वाइपर भी लगवा लो, बारिश हो गई मुश्किल हो जाएगी। मेरी कोशिश थी कि जब तक मैं सड़क क्रॉस करा लूं, जब तक शकील भाई स्टेज पर हो, मेरी कोशिश थी मैं दूर दूर रहूं, मैं इनके हत्थे ना चढ़ जाऊं। डर नहीं, मेरा जहर निकला हुआ है। बीवी के साथ रहता है ना जी, फिर उसको बुजदिल होने नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, क्या अजीब बात है, एक आदमी लाखों रुपया खर्च करके अपने लिए एक दुश्मन घर लाता है और सारी जिंदगी दब के निकाल देता है अपनी जिंदगी। यार क्या मर्दों के हौसले हैं, जोरदार तालियों होनी चाहिए शकील जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। शकील, शकील भाई का परफॉर्मेंस किस किसने एंजॉय किया, जोरदार तालियां बजाकर बताएंगे।